आज हम सिर्फ 10 मिनट में डिनर स्पेशल पनीर राइस बनाएंगे, जिसे मैंने कुकर में बना के तैयार किया है। तो चलिए शुरू करें। 2 से 3 टेबलस्पून तेल गरम करके साबुत जीरा, काली मिर्च और एक तेज पत्ता ऐड करेंगे। जीरा हल्का सा सुनहरा हो, फिर उसमें प्याज ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 प्याज को कुछ इस तरह से लंबा कट कर लिया है। प्याज हल्का सा सुनहरा हो तब तक इसे भूनेंगे। 1 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट भी ऐड करेंगे। इसे भी प्याज के साथ भून लेंगे। प्याज भुन जाए फिर हम इसमें कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को भी अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम स्लो करेंगे और टमाटर सॉफ्ट हो तब तक पकाएंगे। टमाटर सॉफ्ट हो फिर इसमें 1/4 कप जितने हरे मटर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने फ्रोजन मटर का यूज किया है। 1 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और 1/2 टीस्पून बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। मसालों को भी प्याज और टमाटर के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। एक कप भिगोए हुए बासमती चावल ऐड करेंगे। चावल को हमें 1/2 घंटे तक भिगो के रखना है। हल्के हाथों से प्याज टमाटर के साथ चावल को भी भून लेंगे। चावल के पोर्शन का नमक ऐड करेंगे। पानी ऐड करेंगे। जब भी हम घर पर रेगुलरली राइस बनाते हैं तो जितने राइस होते हैं उसका डबल या थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करते हैं, पर आज हम पुलाव को कुकर में बना रहे हैं इसलिए डबल से थोड़ा कम पानी ऐड करेंगे। ऐसा करने से पुलाव एकदम खिला खिला बनता है। ये पुलाव को खा के आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसे कुकर में बनाया है। आप इसी तरह से जो रेगुलर हम घर पर वाइट राइस बनाते हैं वो भी कुकर में बना सकते हैं। हम शुरुआत में ही कुकर का ढक्कन नहीं बंद करेंगे। 50% जितना पानी एब्जॉर्ब हो जाए फिर ही कुकर का ढक्कन बंद करेंगे। ऐसा करने से भी चावल अच्छे खिले खिले बनते हैं। आप भी ये ट्रिक को जरूर फॉलो करके कुकर में आसानी से पुलाव या बिरयानी बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 50% जितना पानी एब्जॉर्ब हो गया है। तले हुए पनीर के क्यूब्स ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप जितने चावल लिए थे उसके सामने मैंने 100 ग्राम जितना पनीर लिया है। पनीर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और सिर्फ 1 ही विसल लगवाएंगे। 1 विसल हो गई है, गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और कुकर का प्रेशर ठंडा कर लेंगे। कुकर का प्रेशर ठंडा हो गया है, ढक्कन को खोलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ 10 मिनट में क्या खिला खिला हुआ पुलाव बना है। इसे आप डिनर में या बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी पैक कर सकते हैं। इसे दही, पापड़ और सलाद के साथ सर्व कर लेंगे।